विद्यार्थियों में साइबर अपराध के बारे में जन जागृति हो, इस उद्देश्य से बुधवार को साइबर पुलिस स्टेशन की ओर से विनाले स्कूल मार्टिन नगर में जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को साइबर अपराध से बचाने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। नागपुर शहर पुलिस कमिश्नरेट स्थित साइबर थाना और शहर के प्रिंट टीवी मीडिया ने वर्ष 2021 में समय समय पर जागरूकता फैलाई है। समाचार पत्रों के पाठकों, टीवी दर्शकों और आम जनता के बीच साइबर अपराध की व्यापक जागरूकता ने शिकायतों की संख्या को लगभग 2100 तक कम कर दिया है। वहीं लोगों के करोड़ों रुपए बचे हैं। इसके एक भाग के रूप में नागपुर शहर पुलिस आयुक्तालय के सभी 5 क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में विनालय स्कूल मार्टिन नगर में स्कूली विद्यार्थियों के लिए साइबर पुलिस की ओर से जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान विद्यार्थियों में साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाई गई। इस संदर्भ में सहायक पुलिस निरीक्षक केशव वाघ ने अधिक जानकारी साझा की। शाळेमधील मुलामुलींना ऑफलाइन आणि ऑनलाइन दोन्ही प्रकारे जर त्रास होत असेल किंवा होईल तर त्यावर काय आपण करायला पाहिजे या संबंधी आम्ही या ठिकाणी एक सेमिनार घेतलेला आहे। विनालय स्कूलमध्ये मुला आणि मुलींसाठी हा सेमिनार होता आणि येथील मुलामुलींनी चांगला प्रतिसाद त्यासाठी दिलेला आहे आणि एक चांगला सेमिनार इथं आयोजित करणार। ऑफलाईनमध्ये कसं होतं, कधी कधी बाहेर काही मुलं भेटतात आणि ते एखाद्या मुलीला किंवा मुलाला नंबर मागू शकतात आणि ते नंबर मागितल्याच्या नंतर त्याचा ते एक दुरुपयोग करायला सुरू करतात। त्यांना व्हॉट्सअपवरून कॉलिंग करणे, मुलींचा व्हिडिओ आपल्याकडे ठेवणे, त्यांच्याशी नकोशी चॅटिंग करणे आणि जर अशी चॅटिंग होत असेल तर त्या मुलीला समजत नाही की आपण काय करायला पाहिजे। तर एक वेळेस एखाद्या मुलीने जर त्यावर त्याला जर समोरच्या व्यक्तीला सांगितलं की मला तुझ्याशी बोलायचं नाही, तर त्यानंतर जर तो चॅटिंग तिच्याशी करत असेल तिच्या इच्छेच्या विरुद्ध, तर ती येऊन पोलीस स्टेशनला तक्रार करू शकते किंवा ती सायबरला सुद्धा येऊन आमच्याकडे माहिती देऊ शकते। दिन प्रतिदिन साइबर अपराध से जुड़ी खबरें सामने आती है, जिसके चलते इस बारे में जन जागृति हो, इस उद्देश्य से साइबर पुलिस की ओर से की गई ये पहल एक सराहनीय कदम है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।